गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, इसके पहले हमने पर्ल्स का, जो मैंने आपको बताया था कि हमें पर्ल्स से ड्राइंग करनी है दाल, तो उसके लिए मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था। बैकग्राउंड में मैंने कलर कर दिया है, कॉमन कलर है जो हम हर इसमें करते हैं, जैसे पहाड़ बादल में जो करते हैं वैसे ही है। तो पहाड़ के ऊपर कुछ बादल मैंने और बना दिए हैं। मैं आपको सिर्फ एक कलर करके बताऊँगी, बाकी तो मैंने ऑलरेडी कलर कर चुके हैं। और ये ऐसे क्लाउड को कलर करना मैंने आपको पहले भी बताया है। तो देखिए, पहले मैं अंदर ब्लू, लाइट ब्लू कलर कर रही हूँ, और उसके जो कॉर्नर्स है, उसकी जो आउटलाइन है, मैंने ऑलरेडी ब्लैक से करा है, पर वो ब्लैक के साथ साथ उसे मैं डार्क ब्लू से भी करूँगी, क्योंकि उसमें से वैसे फिर इफ़ेक्ट आता है बच्चों। तो आप भी वैसे ही ट्राई करो। और डार्क ब्लू से मैं इसके कॉर्नर्स कर रही हूँ। जो आपने ड्रॉ किया है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए ये। अगर थोड़ा कहीं बीच में वाइट रह भी जाता है तो चलता है बच्चों इसमें, क्योंकि क्लाउड ऑलरेडी वाइट भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो पूरा डार्क डार्क कलर करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए होगा। अब जो हमारा मेन था सन, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है बच्चों कि स्केच पेन लेकर पहले आइस बनानी है। देखिए मैं आइस कैसे कर रही हूँ, टू आइस करनी है आपको, क्योंकि अगर मैं क्रेयॉन से पहले इसमें कलर फील कर देती हूँ तो फिर स्केच पेन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसके ऊपर चलते नहीं हैं। तो ये आइस किया मैंने, और ये इसका स्माइली फेस कर दिया। अब इसके बीच में अब आपको क्या करना है, येल्लो कलर मैंने लिया है और मैं लाइट एकदम हल्का येल्लो कलर कर रही हूँ। देख के कीजिए, आइस के बीच में वो येल्लो कलर नहीं जाना चाहिए। हमेशा याद रखो बच्चों कि जब भी आप बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपको कुछ स्केच पेन से ड्रॉ करना है तो पहले आप ड्रॉ कीजिए, अदरवाइज उसके ऊपर स्केच पेन नहीं चलता है, और चले भी तो वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, तो वैसा नहीं करना है बच्चों आपको। देखिए ये हो गया। अब मैं बीच में रेड कलर कर, रेड इसके जो माउथ है इसमें रेड कलर थोड़ा सा फील कर दे रही हूँ, ये हो गया। अब जो मेन हमारा वर्क है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए दो दाल लिया, एक मसूर की दाल और एक तुअर की दाल। मसूर की दाल थोड़ी ऑरेंज कलर में होती है और ये येलो। तो सबसे फर्स्ट जो सन का सर्कल है, मैं फेविकॉल से, अगर हो सके तो आप फेविकॉल ऐसे ट्यूब वाला ही यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे गंदा नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा ड्रॉप, थोड़ा थोड़ा उसको सर्कल पे वो कीजिए, और देखिए ऐसे डाल लीजिए अपने इसको थोड़ी सी, और उसे स्टिक करना शुरू कीजिए। आप बर्ड से भी कर सकते हो बच्चों, बर्ड धीरे धीरे कीजिए, कोई कढ़ाई नहीं है आपको, हल्के हाथ से प्रेस करते जाइए। देखिए सर्कल पे करना, आगे पीछे करोगे तो सर्कल जो है वो क्या आपको राउंड नहीं दिखेगा। मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी बच्चों, मैं आपको ये थोड़ा जितना मैंने फेविकॉल लगाया है मैं उतना ही बता रही हूँ, क्योंकि पूरा बहुत समय होगा। फिर अब देखिए, जैसे ये ऑरेंज था तो मैंने इसे इसको सर्कल कर रही हूँ। अब जो बाहर का स्टार है उससे क्या करना है, दूसरा वाला करना है। तो मैं यहाँ पे फेविकॉल लगा दिया मैंने, और थोड़ा सा गिरी है तुअर दाल जो येलो कलर की होती है, ये थोड़ी बड़ी होती है तो इतना आपको तकलीफ नहीं जाएगा उसे लगाने में। ऐसे ही नहीं बच्चों सन, आप इससे दूसरे दूसरे डिज़ाइंस भी कर सकते हो। सन इजी था इसलिए मैंने आपको बताया है, आप इसके और अलग अलग
ड्राइंग पे पल्सेस से पूरा उसको फील करके अपने घर में डेकोरेट भी कर सकते हो फ्रेम जैसा। ये देखिए अब मैं इसके बीच में भी कर दे रही हूँ। आपको अगर फील नहीं करना है तो नहीं कीजिए, करना चाहते हो तो करिए। देखिए बच्चों ऐसे आपको पूरा करना है, मैं आपको पूरा होने के बाद एक फ़ोटो जो है इसकी सेंड कर दूंगी। आप ऐसे कीजिए, गंदा नहीं कीजिए क्योंकि गंदा करने से क्या होगा, पेपर काला हो जाएगा। और हाँ, मैंने इसमें कुछ बर्ड्स बना रही हूँ, जैसे आपको भी बनाना है, जैसे वी रहता है ना, वी जैसे ऐसे कुछ छोटे बुट आप इसे बर्ड कर दीजिए। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको इसका फ़ोटो दे दिया जाएगा। आप सन ही नहीं, आप और भी कर सकते हो। ओके बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। थैंक यू।